आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आज चार नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। आधार सेवा केंद्रों का लोकार्पण हुआ है, जहां सहारनपुर समेत प्रदेश में आज चार नए आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में जिन जिलों में ये आधार सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल है। सहारनपुर में आईटीसी रोड पंत विरा गेट के पास नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब प्रदेश में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं रिटायर्ड कैप्टन देवराज त्रिपाठी, आधार सेवा केंद्र सहारनपुर का सेंटर मैनेजर हूँ मैं। सर किस प्रकार से आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिलेंगी इससे? एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, जो कि लोगों के लिए सुविधाएं आधार से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी उसको एक ही छाया के नीचे, एक ही ऑफिस के नीचे हल की जाए, जहाँ पर हम इस सेंटर के अंदर 500 से लेके 650 तक आधार डेली अपडेट करेंगे और बनाएंगे भी, जिसकी नए एनरोलमेंट की। खबर मैनपुरी से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों में वोटरों को लुभाने की होड़ लग गई है। आज मैनपुरी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा जी की लाल रंग से परेशानी है और लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। लाल रंग का ही हम सबसे खून है। हमारी सरकार बनने पर बिजली समेत सस्ते दामों में मिलेगी, जहां उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर सभी मुकदमे वापस लिए हैं। जनता इसका हिसाब लेगी और मेरी सरकार में विकास की गति में तेजी आएगी, चारों तरफ विकास होगा। मैनपुरी की जनता से अपील की कि सभी सीटों पर सपा को विजय बना देना। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी और हम जातीय जनगणना भी करवाएंगे। एक गुलदस्ता बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें सबका हक है, सबका सम्मान है। ये ओमकार राजभर जी की पार्टी है, ये जाति की जाति जनगणना हो, ये डॉक्टर संजय सवान जी की पार्टी है, ये भी जाति के जाति जनगणना हो, हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला कर गिना रहे हैं कि जैसे पहले काम करके दिखाया, अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग के बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा हुआ है, जहां आउटसोर्सिंग के तहत तैनात कर्मचारियों से 2 से 2.5 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर नियुक्त किया था, लेकिन महीनों बाद निकाल दिया गया, जहां अब फिर से 1.5 लाख रुपए की मांग हो रही है। सरकार जहां युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है, वहीं विभाग के अधिकारी सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। पैसा लेने का आरोप लगा है कि विभाग के एक बाबू पर लगा है, लेकिन दबंग बाबू के आगे सिस्टम नतमस्तक है। आलम यह है कि ट्रांसफर होने के बाद भी बाबू का सीएमओ कार्यालय पर कब्जा है। अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी मैं अभिषेक सिंह, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पर था। मैं और शरद वर्मा दो लोग की नियुक्ति थी यहाँ पे। मैं गोयर कंपनी से हूँ। 1.5 लाख रुपए मुझे लिया गया मुझसे। इसके बाद वो लोग बोले थे कि अगर आप यहाँ से हटाए जाते हैं तो ये पैसे आपको वापस हो जाएगा, लेकिन ये लोग के पास दोबारा फ़ोन करने पे लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ 5 महीने हमें ड्यूटी कराया गया है, जिसमें सिर्फ हम 1 लाख रुपए पाए हैं अभी तक, और हमारे 50,000 वो भी चले गए। अब दोबारा रिन्यूअल का कोई वो नहीं हो रहा है।
और हम लोग जब आए थे तो 2-2 लाख रुपए देख के आए थे। उस समय हम लोग का रिन्यूअल करने के लिए कहा गया था और NHM से जोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोगों ने किया था। जब हम लोग का 1 साल पूरा हो गया, अब हम लोग को निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है अगर आप लोग फिर से पैसा देंगे तब रिन्यूअल होगा, नहीं तो नहीं, 1.5 लाख फिर से मांग रहे हैं। ताज नगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 86वां दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे। वहीं राज्यपाल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का NSUI और सपा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं आपको बता दें कि छात्र संगठन ने इस विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस से आला अधिकारियों ने तत्काल छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। बता दें कि छात्र नेता संघ चुनावों को लेकर मांगों पर अड़े हुए हैं। खबर हाथरस से है, जहां जन विश्वास यात्रा मथुरा से शुरू होकर अलीगढ़ होते हुए हाथरस सदन कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पहुंची है। यहां पर पहले से मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव आर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी और हाथरस नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा व भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा रथ यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं रथ में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व हाथरस सांसद व अन्य पदाधिकारियों का पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भाजपाइयों का यह स्वागत सम्मान और जनता का प्यार देखकर रथ यात्रा में मौजूद सभी भाजपा के पदाधिकारी गदगद नजर आए। इस जन विश्वास यात्रा के स्वागत के लिए भाजपाइयों के साथ हाथरस के हजारों लोग भी मौजूद रहे। और जनविश्वास इस प्रकार का है कि बीजेपी की जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे जन समर्थन बढ़ रहा है। कल अलीगढ़ में जनसमूह उमड़ पड़ा था पूरा, आप चाहे कहीं पर देख लो, चाहे वो बलिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे इधर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, आज लोग घर से निकलकर इस यात्रा का, जनविश्वास यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक पक्षी चुनाव हो रहा है। और ये सारे दल अगर एक साथ भी मिल जाए, मैं तो कहूँगा कि मैं ये एक दूसरे से बगैर चुनाव से अलग अलग लड़के जो आपस में तालमेल करके लड़ रहे हैं, उसके बजाय ये मिलकर लड़े और तब भी ये पराजित होंगे और बुरी तरह पराजित होंगे। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी और ये जितने दल हैं इन्होंने जनता के प्रति जो जवाबदेही स्वीकार नहीं की है, इनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और जनविश्वास सहारनपुर के थाना व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जंगल ग्राम जगहेता नजीब चोपड़ा बाग के पास हुई लूट की घटना का खुलासा किया। घटना को अंजाम देने वाले 3 छात्र लुटेरों के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनकी कब्जे से लूट के 70,500 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल व अवैध तमंचों सहित कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना सरसावा क्षेत्र में अभी 23 नवंबर को एक घटना हुई थी, दिन दहाड़े एक लूट हुई थी। एक आदमी जो कमलदीप नाम का था, जनपद शामली का रहने वाला, वो बाइक से जा रहे थे, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनके ऊपर फायरिंग करके उनका बैग छीन लिया था। बैग में करीब 1,62,000 रुपया था और उनका टैप था और कुछ और कागजात थे। उस घटना का सफल खुलासा हुआ है हमारी क्राइम ब्रांच और SOG की टीम ने और सरसावा पुलिस ने मिलकर किया है। उस घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से लूट का 70,500 रुपये बरामद हुआ है, तमंचे आदि बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त अभी और शेष है, उसकी गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है। जो शेष पैसा है जो उसके हिस्से में गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद वो भी बरामद हुआ। इस प्रकार इस घटना का, जो दिन दहाड़े एक लूट की घटना हुई थी व्यापारी के साथ, उसका सफल अनावरण करने में सफलता मिली पुलिस को। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के प्रचार प्रसार के लिए कानपुर में कांग्रेस ने मोती झील स्थित लाजपत भवन में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। वह संवाद कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री वर्षा गायकवाड, ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक मुख्य अतिथि रही। आपको बता दें कि पहली बार शहर में कांग्रेस की ओर से आयोजित हुए शक्ति संवाद कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने तख्ती बैनर लेकर उत्साह और जोश के साथ नारेबाजी की।
इस दौरान कार्यक्रम में आई महिलाओं से वाद संवाद भी किया गया। कुछ महिलाओं की समस्याओं को सुन उनको दूर करने के तरीके बताए गए। साथ ही हर किसी के अंदर छिपी महिला शक्ति को जगाने के लिए प्रेरणा स्रोत महिलाओं को उदाहरण के रूप में पेश किया गया। दूर दूर से आई महिलाएं यहाँ शामिल हुई थी। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश हमारा और प्रदेश किस तरीके से हम सब माताएं बहने प्रसव आप कर रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, आज उस देश को प्रदेश को बचाने के लिए आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप सब महिलाएं मिलकर एकजुट कर होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पंजे में बटन दबाना होगा। जब आप लोग दबाएंगी तभी कांग्रेस आएगी। आने वाली जो भी है, हमारी नस्लें हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, अगर आप कांग्रेस को आप लोग नहीं लाएंगे तो इस देश को बचा नहीं पाएंगे। देश बहुत ही गलत हाथों में चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, लखनऊ में 6 माह की दूध मुही बच्ची से और 10 साल की लड़की से बलात्कार कई दिनों तक होता रहा और योगी जी होते रहे। कहना है खास कर तो योगी जी से कहना है, दोस्तों इन लोगों को किसी का दुख दर्द नहीं है, क्योंकि ये सब बेऔलाद बैठे हुए हैं, ये सब बेऔलाद है, इनको किसी का दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आने वाले समय में आपसे मेरी एक करबद्ध गुजारिश है और प्रियंका जी से गुजारिश है, आप सबकी, राहुल जी, सोनिया जी, जिस तरीके से उनका बलिदानों का इतिहास रहा है वो भुलाने योग्य नहीं है। से है जहां लड़की हूं लड़ सकती हूं के प्रचार प्रसार में कांग्रेस ने अपने दावेदारी प्रस्तुत की है। जहां भव्य संवाद कार्यक्रम हुआ है, जहां पर तमाम महिलाओं की भीड़ देखने को मिली है। वहां पे भव्य संवाद कार्यक्रम में पहुंची है कैबिनेट मंत्री, जिसमें उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं के प्रचार प्रसार किया और उन्होंने प्रेरणा स्रोत महिलाओं के उदाहरण भी दिए। साथ ही हर किसी के अंदर छिपी महिला शक्ति को जगाने के लिए प्रेरणा स्रोत महिलाओं के उदाहरण देकर उन्हें दूर दूर से आई महिलाओं में शामिल भी हुई थी। देवरिया के रामपुर थाना क्षेत्र में श्यामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई। ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक उनके सहयोगी बने और कुछ लोगों ने पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। इसकी जानकारी पर आक्रोशित पत्रकार बड़ी की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़े रहे। आपको बता दें कि पत्रकारों का कहना था कि जमीनी विवाद को लेकर कुछ विवाद था, उसको कवरेज करने पहुंचे थे, तब तक सामने प्राथमिक विद्यालय पर नजर पड़ी तो वहां की कमियां को हमने उजागर करना चाहा, लेकिन ग्राम प्रधान अल्ताफ आलम व प्राथमिक पाठशाला श्यामपुर छोटा टोला के प्रधानाध्यापक आरिफ ने अपने सहयोगियों से हमें घेराबंदी करा लिया। ये पत्रकार रामपुर कारखाना थाने के अंतर्गत एक श्यामपुर ग्राम सभा है, जिसमें पत्रकार कवरेज करने के लिए गए थे। जबकि वहाँ जाने के बाद उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उस गांव के प्रधान दोनों ने मिलकर पत्रकार साथियों का माइक ले लिए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं और उनके साथ मारपीट की है। यह गलत, कोई भी पत्रकार समाज का आईना होता है और जो भी कवरेज करने के लिए जाता है उसको कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उनको यह लग रहा है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनके संपादक हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनको सूचित करें कि ये पत्रकार गलत कार्य कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया के लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी पत्रकारों के ऊपर वहाँ प्राणघाती हमला हुए हैं, जिन्हें बंधक बनाकर बेरहमी से मारा पीटा गया है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्हें न्याय मिलता नहीं है तो फिर हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर काबिज रहेंगे और उन्हें तत्काल जितना जल्द हो सके, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी, उन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके और कार्रवाई करें। गुंडा राज को खत्म करने के लिए जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न अभियान चला रहे हैं, तो वहीं बलरामपुर जनपद में पुलिस भी सक्रिय मोड में नजर आ रही है। उतराला थाने व कुशीनगर जनपद के हाटा थाने में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों का पुलिस ने महीने भर के अंदर गिरफ्तार करके चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया।
जहां 20 दिसंबर को बलरामपुर के शारदा पब्लिक स्कूल के पास से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को अपराध निरीक्षक की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों को पकड़कर उनके पास से 2 अदद तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन व 70,000 रुपए नकद भी बरामद किया। उतरौला में एक आभूषण की दुकान से चोरी हुई थी। उक्त संबंध में हमारी पुलिस जांच और अन्य कार्रवाइयां कर रही थी। इसी बीच कुशीनगर में भी 13 दिसंबर को एक घटना हुई जिसमें 3,00,000 रुपए डिग्गी तोड़कर चुराए गए थे। हमारी पुलिस ने जब जांच और विवेचना करी तो इसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनकी गिरफ्तारी कल शाम को हुई है और उक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा उतरौला और कुशीनगर हाटा थाने की घटना है दोनों को करना स्वीकार किया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं, 4 कारतूस और इसके अतिरिक्त 70,000 रुपये भी जो इन लोग द्वारा स्वीकार किया गया है कि इन्हीं। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जलालपुर विधानसभा के चुनावी बैठक की सपा कार्यालय में आयोजित बैठक में भीम निषाद पहुंचे। वहीं भीम निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही चुनावी बैठक में मौजूद रहे पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता भीम निषाद और विधायक सुभाष राय ने मीडिया से आरक्षण की मांग की। ২০২২ की तैयारी हमारी है, 2022 में हम सरकार बनाएंगे। चूँकि जनता परेशान है ये भाजपा की महंगाई से और किसान परेशान हैं सांड और भैंसा को लेकर के, और इसमें भाजपा के लोग फेल हैं पूर्वांचल में एक भी सीट मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ना के बराबर मिलेगी। हम सरकार बनाएंगे ये विश्वास है। आरक्षण ये 17 जात में तो करीब 12-13 बिरादरी हैं। आरक्षण ये भाजपा के लोग कहे थे देने के लिए, पर हमको लग रहा है कि आरक्षण ये देंगे नहीं। हमारी सरकार बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 17 जात या 13 जात जो भी जातियां हैं हम इसको पुनः आरक्षण लागू कराएंगे। जिस प्रकार से अभी 5 अप्रैल वाली छुट्टी निषाद राज की जयंती पर घोषित थी उसी प्रकार से हम। यूपी चुनाव का बिगुल भले ही अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं बजाया हो लेकिन सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी बिगुल बजा चुकी हैं। वहीं आज लखनऊ के यूपी कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व सीएम कमलनाथ का यूपी आए और लखनऊ में कांग्रेसियों की समीक्षा बैठक की और अपने संबोधन से आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया। कमलनाथ ने तत्कालीन यूपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि आज गुमराह करने की राजनीति की जा रही है। मैं भी सौदा कर सकता था लेकिन मुझे सौदेबाजी नहीं आती है और मध्य प्रदेश के लोगों से पूछिएगा कि हमारी सरकार ने क्या काम किया। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस के सुस्त रवैये से नाराज अधिवक्ता दिखे जहां अधिवक्ता ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। आपको बताते चले कि लगभग 9 दिन पहले अधिवक्ता हमजा खान के भाई शोएब खान लापता हो गए थे जिसके बाद शोएब खान के परिजनों ने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लापता हुए शोएब के न मिलने पर कमिश्नरेट पुलिस ने कैसरबाग थाने में गुमशुदगी लिखवाई गई लेकिन 9 दिन बीतने के बाद भी कमिश्नरेट पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। वहीं अधिवक्ता हमजा खान के समर्थन में लखनऊ बार एसोसिएशन के और समस्त अधिवक्ता गण सामने आए हैं। इसी के साथ चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर पता नहीं चला तो विधानसभा के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। हम लोग आज मिलने आए, विगत 8 दिनों से हमारा भाई, हमारे परिवार का बड़ा भाई 8 दिनों से लापता है और हर थाने से लेकर कमिश्नर तक मैं गुहार लगा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मगर आज तक मुझे यह आश्वस्त नहीं कर पाए कि भाई कहाँ है, किस हाल में है। न गाड़ी बरामद हुई है, न स्वयं भाई बरामद हुआ है। मैं फिर आज कमिश्नर साहब से मैंने निवेदन किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा भाई सकुशल हमारे बीच में नहीं आया तो आगे हम लोग विधानसभा के सामने लेट का प्रदर्शन करेंगे क्योंकि पुलिस से हमारा विश्वास उठता जा रहा है। कमिश्नर साहब से उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।